ताइवान पर चीन और अमेरिका के बीच अब तलखी बढ़ती जा रही है। दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों की मुलाकात में चीन के तल्ख तेवर सामने आए। चीन कह रहा है कि ताइवान का स्वागत है अमेरिका, लेकिन दखल बंद कर दे किसी भी कीमत पर। ताइवान को अब हपना चाहता है चीन। ताइवान पर चीन और अमेरिका के बीच तल्खी बढ़ती जा रही है। ताइवान को लेकर चीन किसी तरह की शांति और समझौते के मूड में नहीं है। दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों की मुलाकात में चीन के तेवर बेहद तल्ख दिखे। चीन ने धमकी भरे लहजे में साफ तौर पर कहा कि ताइवान चीन का हिस्सा है। इस मामले में अमेरिका को दखलअंदाजी बंद कर देनी चाहिए। सिंगापुर में अमेरिका और चीन के रक्षा मंत्रियों की मुलाकात हुई। चीन के रक्षा मंत्री ने कहा कि चीन को नियंत्रित करने के लिए ताइवान का इस्तेमाल कभी सफल नहीं होगा। चीन ने अमेरिका के सामने मांग रखी कि वो ताइवान को हथियार देना बंद करे। अगर किसी बाहरी ताकत ने ताइवान को अलग करने की कोशिश की तो चीनी सेना को मजबूरन जवाब देना होगा। चीन के बयानों से अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन काफी असहज दिखे। अमेरिका समेत पूरी दुनिया ताइवान को लेकर चीन की असली चाल समझती है और हकीकत से भी वाकिफ है। दुनिया के मुल्क मानते हैं कि चीन किसी भी कीमत पर ताइवान को हड़पना चाहता है। इसके लिए वो युद्ध और ताइवान पर हमले की तैयारियों में जुटा है। इसे लेकर पिछले कुछ दिनों में कई रिपोर्ट्स भी सामने आ चुकी हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।